हेलो भाई, बाकी ये जितना भी तैयार हो गया है डाल देगा हम डब्बे में और बाद में डलेगा तेल। ये देखो भाई, अभी लग रहा है कि अचार बन गया लेकिन अभी बना नहीं है, अभी धूप में जाएगा। भाई देख लो भाई, एक चप्पल यहाँ फेंक के और चल गया नीचे, और एक चप्पल का क्या करूंगा यार मैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी रेडी हो चुके हैं। सिद्धू भाजी भी इधर है और अभी ना हमारा नाश्ता हो रहा है, चाय आ गई है। और यहाँ पर देखो, ये कटोरी के अंदर बहुत कुछ है। एक तो ये छोटी छोटी पापड़ी होती है ना, मट्ठी टाइप, तो एक ये है। नमकीन के अंदर ना बहुत कुछ थे, चने भी है, एक ये चीज है, ये नमकीन के अंदर डलते हैं। और तीन चार चीजें लेके आए थे चाय के लिए, थोड़ी कटोरी में डाल के मैंने हर एक चीज ले ली है। और चाय आ चुकी है तो चाय पी रहे अभी। हमारा चाय का टाइम हमेशा लेट ही हो जाता है, तो अभी जो टाइम है 12 बज चुके हैं। 12 बजे मेरी चाय आई है, क्योंकि ना मैं पहले वीडियो अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड करने के बाद जब मेरे को टाइम जब मैं फ्री होता हूँ ना, तब मैं चाय पीता हूँ, तब मैं नाश्ता करता हूँ। तो तभी करके ना लेट हो गया, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और अभी चाय पीने लगा। लो भाई, अभी ना नाश्ता हो गया हमारा और बाहर आया था मैं। बाहर देखो भाई, धूप कितनी ज्यादा आ रही है। मम्मी, धूप बहुत ज्यादा हो गया है ना। अब लग रही है कि गर्मी आ गई है ना। और ये देखो, कल मैं आपको दिखा रहा था ना जो बाहर धूप में डाली हुई थी मिर्चे, भाई ये देखो धूप के करके ना बिल्कुल ड्राई हो गई है। और अभी ना मम्मी ये देखो, ये मिर्चे यहाँ काट रही है क्योंकि अचार डालना है ना। और मम्मी, ये वाला अचार हमने कभी खाया तो नहीं है, पहली बार डाल रहे हो? बहुत पहले ही डाला था ना। हाँ, पहले भी डाला था चार मिर्चे हो गया, लेकिन वो लंबी लंबी मिर्चे थी है ना। ये वाला मिर्ची वाला नहीं डाला था, गोल काट के। ये देखो, ये मिर्ची है और मम्मी ने काट काट के देखो छोटी छोटी कर दी है। और आपको ना अभी मैं बताऊंगा जो मम्मी अचार बनाएगी ना, तो मम्मी क्या क्या डालेगी अचार के अंदर। और ये अचार बहुत ज्यादा अच्छा बनता है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मसाला ड्राई करके रखे है, रोस्ट करके। अच्छा, ये वाला? हाँ, तो भाई ये देखो, ये ना अंदर देखो रोस्ट कीता है। अच्छा, क्या क्या डाला बीच में? सौंफ, राई, कलौंजी, कलौंजी मेथे। ओके, तो ये जितनी भी चीजें मम्मी ने बोली है ना, ये कहीं भी अगर राशन की दुकान पे जाओगे मिल जाएगा। जीरा भी है? हाँ, ड्राई रोस्ट कीता है। ठीक है। और भाई अभी पहले मिर्चे कटेगी, फिर डब्बा है, डब्बे में डालोगे ना? फिर एक डब्बा है, डब्बे में डालेंगे। नहीं है, पीसने है मसाला। अच्छा अच्छा, पहले पाउडर बनेगा? हाँ। अच्छा, तो मम्मी कह रही है ये चीज का पहले पाउडर बनाएंगे और डब्बे के अंदर मिर्ची डाल के ना, और जितना ये पाउडर बनेगा ना वो डाल के और अच्छी तरह रख देगा। धूप में रखना पड़ता है ना, तेल गर्म किया। हाँ, और कितने दिन रखोगे धूप में? बस एक दो दिन ही बन जाएगा। एक या दो दिन धूप में रहेगा अचार, हो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। और जब बनेगा ना आपको दिखाएंगे। फिलहाल गर्म करके वो ठंडा हो रहा है। अच्छा, वो फिर वो तेल भी डालना ना। हाँ। अभी तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म हो गया, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है अभी। अच्छा, लो भाई, आपको आज की वीडियो में मैंने पूरा बता दिया अचार बनाने का तरीका, और बनाओ जरूर। क्या करना है, अंदर लेके जाना है? पाउडर बना दूं मैं, कर दूं ग्राइंड। तो चलो भाई, अभी ये अंदर लेके चलते हो, ग्राइंड कर देते हैं। चलो भाई, अभी ना ग्राइंडर मशीन यहाँ रखी है और ये पूरा पाउडर बनाना है। तो भाई अभी ना छोटे वाला जार निकाला मैंने, ये वाला, ये मैंने लगाया भी है, ये चला ही नहीं, ये ना जाम हो गया, ये देखो पूरा जाम है, हिल ही नहीं रहा ये देखो। और ये वाला तो चलो ठीक है, हमें काम तो छोटे का था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बड़े वाले जार में कर देंगे हम। चलो भाई, अभी ये डालते हैं अंदर और ये लगाकर और ग्राइंड कर देते हैं। चलो भाई, ये देखो पूरा पाउडर बन गया है, और ये डालना मम्मी, ठीक है ना? तो चलो भाई, अभी अंदर आ गए, देखो मिर्ची भी काट दी यहाँ पर, और जितना पाउडर बनाया था ना ये डालना है। हाँ, सारा मसाला। ठीक है, हाँ देख लो, आज पूरा व्लॉग आपको दिखा रहा हूँ जो जो अचार बनता है ना। ठीक है, फिर क्या डालेगा? काला नमक, एक चम्मच काला नमक, एक चम्मच लाल देगी मिर्च, देगी मिर्च कड़वी नहीं होती। हाँ, पर ठीक है, रंग के लिए, कलर के लिए। हाँ ठीक है, और ये आएगी हींग, जिनको हींग नहीं अच्छी लगती वो मत डाले। भाई अभी डलेगी हल्दी, अब आएगा नमक, बस इस तरह सारे मसाले पाके। भाई यही चीजें डलेगी ना, जो जो दिखाई है ना। हाँ, और कुछ तो नहीं ना, कुछ भी नहीं, और तेल डलेगा है ना बस। तो भाई बाकी ये जितना भी तैयार हो गया है, ये अभी डाल देंगे हम डब्बे में और बाद में डलेगा तेल। भाई ये देखो, ये जो तेल था ना ये गर्म करा था, गर्म करने के बाद ये रख दिया था थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, और अभी ना ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ठीक ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। और ये आप डाल देंगे अंदर, ये तेल डाल दिया। और पहले तेल को गर्म क्यों किया था? क्यों कच्चा ना लगे है। हाँ, ना
स्मेल आती है ना कच्चे दी। हाँ अच्छी तरह। चलो भाई ये देखो तेल डाल दिया और अच्छी तरह अब डब्बे को ऊपर नीचे कर करके इसको पूरी अच्छी तरह से हिलाकर सारा मिक्स हो जाएगा मसाले वगैरह। और ये अभी धूप में रख देना। ये देखो भाई अभी लग रहा है कि अचार बन गया लेकिन अभी बना नहीं है, अभी धूप में जाएगा दो दिन के लिए और फिर जाके पूरा अच्छी तरह कंप्लीट होगा, मजा आएगा फिर खाने में। तो भाई अभी डब्बा यहीं रख दिया क्योंकि धूप आज आई नहीं, पहले आई थी ना बंद हो गया धूप आनी, अभी यहाँ रख दिया क्योंकि थोड़ी बहुत धूप आ रही है ना यहीं आ रही है। क्या तरीका होता है अचार बनाने का वो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको अच्छा लगे आप भी जरूर ट्राई करना एक बार। तो भाई बताने बताने के चक्कर में मम्मी एक चीज भूल ही गई कि अंदर ना ये भी डालना था विनेगर। हाँ वो तो मेरे को मैंने अभी देखा किचन में गया ना और ये डब्बा आ गया और डब्बे में डाल देगा। कितना डालना ये? दो ढक्कन। डाल दिए दो ढक्कन। अब खट्टा हो जाएगा ना? खट्टा भी हो जाएगा और ये नाल सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। तो भाई अभी मैं गया था बैंक अपने, मेरे को जाना था वहां पर क्योंकि जो बैंक का एटीएम होता है ना तो वहां पर ही मशीन होती है डिपॉजिट, तो वहां गया था अभी। तो जाना क्यों था क्योंकि ना 5-6 हजार थे जो कैश थे वो मेरे को अकाउंट में जमा कराने थे अपने, तभी करके गया था लेकिन 1000 हुआ ही नहीं। और भाई ये है 1000 जो हुआ नहीं जमा। और क्यों नहीं हुआ पहले मैं बताता हूँ, डिपॉजिट मशीन में ना मतलब ये देखो ये खराब नोट है, बिल्कुल गंदा हो गया है तो ये नोट नहीं जाएगा। और ये जो नोट है ना ये नोट के ऊपर ये देखो ये रंग लगा है, तो तभी करके हुआ ही नहीं। चलिए एक काम करिए ना। क्या पहले क्या बोला? 1 तेरा 1 मेरा। बहुत तेज हो रहे हो, 1 तेरा 1 मेरा। चले काम करिए ना, नीचे जा मम्मी है ना तो मम्मी को ही दे। हाँ मम्मी को ही दे, मम्मी को कह रहे ये वाला जमा नहीं हुए। और बाहर का वेदर भी दे। और भाई बाहर का वेदर भी अब जाकर फिर धूप हो गई है भाई, पता नहीं चल रहा यार क्या हो रहा है यार। मन अब जब ज्यादा धूप होती है तब मन करता है कि वाटर पार्क चले या फिर स्विमिंग पूल लगाए, पता ही नहीं चलता यार। पूल तो हमने लगा लिया लेकिन अब प्लान बनता है वाटर पार्क का, क्योंकि वाटर पार्क में जो मजा आएगा ना वो अलग ही लेवल का मजा है ना। मतलब घर पे जितना मर्जी पूल लगा लो लेकिन वाटर पार्क में वाटर राइड होती है, झूले होते हैं पानी वाले, तो तभी करके मजा आता है। बाय द वे अभी लंच रेडी है, लंच नहीं किया मैंने, बाकियों ने कर लिया है। जग्गू तूने कर लिया? करना है क्या? तू भी लंच कर ले। हम बैंक गए थे ना तो तभी करके लंच नहीं किया, लंच रेडी है तो लंच करते हैं। तो अभी लंच आ गया और आज बनी है लौकी। तो भाई अभी ना लंच कर लिया ना हमने, मैं चप्पल देख रहा था मेरे को चप्पल ही नहीं मिल रही। और अभी जग्गू ऊपर आया मेरे को कह रहा है कि सिद्धू ने डाली है चप्पल। सिद्धू ने डाली है? किधर है वो? ऊपर छत पे है। तो भाई देखो अभी इतनी ज्यादा धूप है तभी छत पे घूम रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ा रहा है अभी? भाई देख ले यार क्या करता है यार। भाई अभी ऊपर आ गया हम दोनों। किधर है ओ? चप्पल दे, चप्पल दे सिद्धू। जग्गू यार देख ले यार ड्रामा करने लग गया यार फिर दे यार। जग्गू यार ले पकड़ यार, जाकर लग गया ना, लगी है, पकड़ियो पकड़ियो दे अब पकड़ियो। जग्गू यार क्या कर रहा है, पकड़। भाई देख लो भाई एक चप्पल यहाँ फेंक के और चल गया नीचे, और एक चप्पल का क्या करूंगा यार मैं। तो भाई अब जाके चप्पल मिली हमें, दरवाजा ही नहीं खोल रहा था, बड़ी मुश्किल हमने दरवाजा खुलवाया और चप्पल ले लिया। अभी क्या नीचे पतंग लेने? पतंग लेने गए अब पतंग उड़ाएगा। देखा अभी धूप रे कितनी ज्यादा है फिर भी यार चैन नहीं है। ये देखो भाई आ गया, चप्पल डाल गया पहले जा। यार चप्पल नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है चप्पल? टूट गई दोनों। ओ झूठा, टूटी है नीचे आके देख लो। तो भाई जितनी मर्जी चप्पल आके दे दो यार, ये पहले ही तोड़ देते हैं, तेरे को अक्ल नहीं है। अरे मैं जा रहा था साइकिल पे, उड़ गई पर टूट गई। अकल नहीं है यार ये, और तू मत उड़ाने लग जाइयो, पहले कह रहा हूँ। इधर देखियो शक्ल, देखियो नहीं उड़ाऊंगा, शक्ल देख ना मेरी, तू मत उड़ाइयो। अगर मेरे को पता लगा कि तूने उड़ाई है ये देख लियो। चल आ जा फिर तू नीचे आ जा, ये तार बांध देगा इतनी मोटी। कन्ने बांधने हैं? कन्ने थोड़ा बांधे जाएंगे, छेद कर रहा हूँ। अच्छा छेद कर है। तो भाई अभी छत पे इतनी ज्यादा मिट्टी हो रही है ना, मैं चल रहा हूँ ना, मैं पैरों में मिट्टी चल गई चप्पलों के अंदर, इतनी ज़्यादा मिट्टी हो रही है। और पानी तो आ रहा है बहुत ओके वाला, लेकिन नॉर्मल है, ठंडा नहीं है। जग्गू ठंडा पानी कब आता है? दिन में आता है शाम के टाइम आता है? दिन में आता है ना भाई, दिन में आता है बिल्कुल ठंडा पानी। मेरा मन कर रहा है कि एक दिन ना एक दिन प्लान बनाते हैं, हम नीचे नहीं नहाएंगे ठीक है, ऊपर आकर नहाएंगे। बोल करे सुबह सुबह कितने बजे? 7 बजे। ओहो मजा आ जाएगा, 6-7 बजे हाँ मज़ा आ जाएगा एक बार जब टैंकी कमेंट बताओ। चल ठीक है कमेंट आएगा ना फिर ना लेंगे ठीक है। लेकिन तेरे लिए एक चैलेंज होगा, तेरे को बिना कपड़े के नहाना है। प्यारी समझ गई।
कुछ भी नहीं डालना। लो भाई जग्गू तो शुरू हो गया पतंग उड़ानी, और वो देखो वो कहाँ चढ़ा हुआ है। एक तो तू भूत बना हुआ है और मेरे को डराई जा रहा है यार, शक्ल भी काली हो गई है। काली हो गया ना शक्ल, पतंग उड़ा उड़ा के वो पतंग तरह ही बन गया काला, कौए तरह बन गया है काला कौआ है। कौआ मैं हूँ। अच्छा मत उड़ाएगा धूप में, मत निकलेगा धूप जाएगी ना तब आएगा। धूप नहीं जाती, मैं भी काला होता हूं पूरा। 15 तारीख को जब तू पतंगे उड़ा रहा होता है ना, तो तू लगता ही नहीं है इंडियन है, तू तो लग रहा है अफ्रीका का आया हुआ है, तू ये लगता है। हाँ तू भी, तुम दोनों लगते हो यही। मजा आएगा, अगर नहीं आया तो चलेगा नीचे। तो भाई अभी जग्गू ही उड़ाएगा, जग्गू पीछे जाके उड़ा। चलो भाई जब तक जग्गू और सिद्धू ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे। मम्मी ने ना मेरे को बोला था कि चाय बना के ना एक कप नीचे दे जा, क्योंकि मम्मी नीचे काम करी है, तो मम्मी कह रही है चाय बना के मेरे को दे जा, तो मैं भूल गया था। तो अभी चलते हैं, पहले चाय एक कप बना देते हैं मम्मी के लिए और दे आते हैं। और भाई यहाँ तो इतनी ज़्यादा धूप है ना, आँखें भी नहीं खुल रही, बहुत ज़्यादा धूप है। तो भाई नीचे आकर ना मैंने यहाँ पर चाय रख दी है, तो चाय जब तक बन रही है और मैं अंदर बैठ जाता हूँ। मैं तो ऊपर अभी 2 मिनट के लिए गया था, और इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी ना मेरे को, और मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं जब भी धूप में जाता हूँ ना मेरे को फिर गर्मी इतनी ज्यादा लगती है ना, इतनी ज्यादा, मतलब कि जब तक मैं नहाऊंगा नहीं ना तब तक ठीक नहीं होगी। चाय बनाने के बाद मैं फिर जाऊंगा एक बार नहाने, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही। ये रही बात मम्मी ने जो अचार डाला था आज, तो अभी अचार का देखते हैं क्या बनता है। और तो भाई देखो अंदर अचार आपको दिख रहा होगा ना, अभी भी खा पाएंगे, लेकिन जो 2 दिन के बाद जो फ्लेवर आएगा ना वो नहीं आएगा। अभी 2 दिन तक धूप में रहेगा ना अचार, तब अच्छी तरह बनेगा। तो भाई मम्मी को ना जितने भी अचार होते हैं बनाने आते हैं, और आप भी ये वाला अचार ट्राई जरूर करना। तो भाई अभी ना डिनर टाइम हो गया है, तो ऊपर बाकी जाने आ गए, डिनर भी अभी रेडी हो रहा है। और ना जो ये अचार है ना मम्मी, अचार कल रख देना धूप में, है ना, खा के देखोगे। तो भाई मम्मी अभी ट्राई करी है अचार, और मैंने भी नहीं किया, तो मैं भी ट्राई करता हूँ अभी। लो भाई चम्मच आ गया, मम्मी एक मेरा भी निकालना, मैं भी खा के देखूं। तो चलो भाई अचार अभी ले लिया मिर्ची वाला, और देखते हैं भाई अभी अचार खाया, मजा आ गया, मतलब कि अभी भी खाने लायक है, 2 दिन के बाद ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अचार। तो चलो भाई अभी मेरा डिनर आ गया, मम्मी यहाँ भी अचार डाल दो, और खाने के लिए देखो भाई आम आया आज, आम खाएगा। और ये देखो भाई खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है यहाँ बैठे बैठे। तो चलो भाई डिनर आ गया है।